बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIO ऑडियो बुक्स। नाज़रीन सामईन, हम पढ़ रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात पाक पर मबनी किताब शमशीर बेनियाम। पेश खिदमत है इस किताब का अगला हिस्सा, तो चलिए शुरू करते हैं। उसी सुबह दमिश्क के बाहर भी खून रेजी हो रही थी। पहले बयान किया जा चुका है कि दमिश्क मुसलमानों के कब्ज़े में था, लेकिन वहाँ मुसलमान फ़ौज की तादाद बहुत थोड़ी थी। दमिश्क में हाकिम शहर और सालार यजीद बिन अबू सुफियान थे। शहनशाह हरकुल का मंसूबा यह था कि दमिश्क में मुसलमान फ़ौज की तादाद कम है, इसलिए उसे आसानी से ख़त्म किया जा सकेगा। उसने ये काम अपने एक तजर्बाकार सालार थियोडोरस को सौंपा था। दमिश्क के दिफा का एक इंतज़ाम ये भी था के देखभाल के लिए चंद आदमी शहर से दूर दूर घूमते फिरते रहते थे। उस सुबह यजीद बिन अबी सुफियान को इत्तला मिली कि रोमी फ़ौज आ रही है। दमिश्क पर हर लम्हा हमले की तवक्को रहती थी। रोमी कोई ऐसे गए गुजरे तो नहीं थे कि अपनी शहनशाही का खोया हुआ इतना बड़ा शहर वापस लेने की कोशिश ना करते। यजीद बिन अबी सुफियान हर वक्त तैयारी की हालत में रहते थे। उन्होंने रोमी फ़ौज के आने की इत्तला मिलते ही अपने दस्ते को शहर से बाहर सफ आरा होने का हुक्म दिया। मौरिखों ने लिखा है कि मुसलमान मुहासरे में लड़ने के आदी नहीं थे, उन्हें मुहासरा करने का तजर्बा था। महसूर होकर लड़ने का उन्हें कोई तजर्बा भी नहीं था और उन्हें महसूर होना पसंद भी नहीं था। वो मैदान में अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन से भी लड़ जाते थे। रोमी चूँकि जनूब मगरब की तरफ से आ रहे थे, इसलिए यजीद ने अपने दस्ते को उसी से जंगी तरतीब में खड़ा कर दिया। रोमी फ़ौज सामने आई तो पता चला कि उसकी तादाद कई गुना ज़्यादा है। इन रोमी दस्तों का सालार थियोडोरस था। वो अंताकिया से बैरूत के रास्ते दमिश्क को फतह करने आ रहा था। जब मरजो रोम पहुंचा तो अबू उबैदा और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ेरे क़्यादत मुजाहिदीन की फ़ौज आ गई। उसे दमिश्क पहुँचना था, वो वक्त ज़ाया नहीं कर सकता था। मौरख वाकदी इबन हशाम और अबू सईद लिखते हैं कि उसने बड़ी कारगर तरकीब सोच ली। एक ये कि मुसलमानों के सामने मरजू रोम में सफ आरा रहा, लेकिन लड़ाई से गुरेज करता रहा। रात हो गई तो नहायत खामोशी से अपने दस्तों को दमिश्क ले गया। रोमी सालार शिंस पीछे रह गया। उसके ज़िम्मे ये काम था कि अबू उबैदा और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के दस्तों को यहीं रोके रखे। इस मुकाम से दमिश्क 20 मील भी नहीं था। थियोडोरस सुबह के वक्त दमिश्क के मुजाफात तक पहुँच गया। वो जब दमिश्क के करीब गया तो मुसलमानों को कले के बाहर मुंतजिर पाया। ये दमिश्क के दिफाई दस्ते थे जिनके सालार यजीद बिन अबी सुफियान थे। थियोडोरस को मालूम था कि दमिश्क के दिफा में मुसलमानों की यही नफरी है जो बाहर खड़ी है। उसने अपने दस्तों को ललकार कर कहा कि अरब के इन बद्दुओं को कुचल डालो, दमिश्क तुम्हारा है। मुजाहिदो, यजीद बिन अबी सुफियान ने अपने दस्तों से बड़ी ही बुलंद आवाज़ से कहा, दमिश्क तुम्हारी आबरू है। दुश्मन शहर की दीवार के साए तक भी ना पहुँचे, कुफ्र के तूफ़ान को शहर से बाहर रोक लो। ये जोश जज्बात की ललकार थी जिसने मुजाहिदीन को गरमा दिया, लेकिन हकीकत बड़ी तल्ख थी। दुश्मन की तादाद कई गुना ज़्यादा और कुमक की कोई सूरत नहीं थी। ना सिर्फ ये कि दमिश्क हाथ से जा रहा था, बल्कि मुजाहिदीन में से किसी का भी जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। मुजाहिदीन जहाँ भी लड़े कम तादाद में लड़े, लेकिन कमी की भी एक हद होती है। रोमियो की नफरी इतनी ज्यादा थी कि वो यजीद के दस्तों को आसानी से घेरे में ले सकते थे। हरकुल ने यही कुछ सोचकर वहाँ ज्यादा नफरी भेजी थी और थियोडोरस उसका आजमूदा सालार था। थियोडोरस ने मुसलमानों को देख कर अपने दस्तों को रोका नहीं, उसने हमले का हुक्म दे दिया। हमला दोनों पहलुओं की तरफ से हुआ। यजीद बिन अबी सुफियान समझ गए कि रोमी उन्हें अंदर की तरफ सुकड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। यजीद बिन अबी सुफियान ने अपने दस्ते को और ज़्यादा फैला दिया और सवार दस्ते से कहा कि वो दुश्मन के पहलुओं पर जाने की कोशिश करें। लेकिन रोमी तो सैलाब की मानिंद थे, मुसलमान जज्बे से हमले रोक रहे थे और वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो दिफाई लड़ाई लड़ने पर मजबूर थे, जवाबी हमला नहीं कर सकते थे। रोमी शहर की तरफ जाने की भी कोशिश कर रहे थे। यजीद ने इसका इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। उन्होंने शहर के हर दरवाजे के सामने और कुछ दूर तीरंदाज खड़े कर रखे थे और उनके साथ साथ थोड़ी थोड़ी तादाद में घुड़सवार भी थे। सूरज सर के ऊपर आ गया। आधा दिन गुजर गया। मुजाहिदीन अभी तक रोमियों के मौज दर मौज हमले रोक रहे थे और उनके नारों और ललकार में अभी जान मौजूद थी। उस वक्त तक ज़ख्मियों और शहीदों की वजह से उनकी तादाद मज़ीद कम हो गई थी। रोमी नफरी की अफराद के बावजूद मुसलमानों पर गालिब नहीं आ सके थे, लेकिन मुसलमानों के जिस्म अब जवाब देने लगे थे, घोड़े भी थक गए थे। दोपहर के बाद मुजाहिदीन को साफ तौर पर महसूस होने लगा कि शिकस्त उनके बहुत करीब आ गई है।
वो पसपाई के आदि नहीं थे। उन्होंने कलमे तैयबा का बुलंद वर्द शुरू कर दिया और इस कोशिश में लहूलुहान होने लगे कि हमला रोक कर हमला करें भी। उनकी तंजीम टूट गई थी और अब वो इनफरादी तौर पर लड़ रहे थे। सालार यजीद बिन अबी सुफियान सिपाही बन चुके थे। वो अपने अलमबरदार और मुहाफिजों से कहते थे कि अलम ना गिरने देना। बड़ी जल्दी वो वक्त आ गया जब मुजाहिदीन को यकीन हो गया कि एक तरफ दुश्मन की कैद और दूसरी तरफ मौत है। वो जीते जी ये नहीं सुनना चाहते थे कि दुश्मन दमिश्क पर काबिज़ हो गया है। एन उस वक्त जब मुजाहिदीन ने ज़िंदगी का आखिरी मार्का लड़ने के लिए जानों की बाजी लगा दी, रोमियों के अकब में शोर उठा और देखते ही देखते रोमियों में भगदड़ मच गई। दमिश्क के दिफा में लड़ने वालों को पता नहीं चल रहा था कि पीछे क्या हो रहा है और रोमियों पर क्या आफत टूटी है। उनकी तंजीम दरम बरम हो गई और उनके हमले भी ख़त्म हो गए। इस्लाम के जान निसारो, यजीद बिन अबी सुफियान ने बुलंद आवाज़ से कहा, अल्लाह की मदद आ गई है, हौसले बुलंद रखो। हकीकत यह थी कि यजीद को मालूम ही नहीं था कि रोमियों के अकब में क्या हो रहा है। उन्होंने रोमियों पर हमले का हुक्म दे दिया। रोमियों को तो हमला रोकने का भी होश ना रहा। यजीद बिन अबी सुफियान पहलू की तरफ निकल गए, मुहाफिज उनके साथ थे। वो रोमियों के अकब में जा रहे थे और शोरोगोगा इस कदर ज़्यादा था कि अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती थी। सिर्फ ये पता चलता था कि रोमियों में भगदड़ और अफरा तफरी बपा हो गई है। कुछ और आगे गए तो यजीद के कानों में आवाज़ पड़ी, अना फारिसुद्दीद, अना खालिद बिन वलीद, दमिश्क के मुहाफिजो। यजीद बिन अबी सुफियान गला फाड़ फाड़ कर ऐलान करते पीछे आए, खुदा की कसम इब्ने वलीद आ गया है, अबू सुलेमान पहुंच गया है, अल्लाह की मदद पहुंच गई है। अल्लाह को पुकारने वालों, अल्लाह ने हमारी सुन ली है। खुदा की कसम रोमी अपनी कब्रों पर लड़ रहे हैं, फतह हक परस्तों की होगी। उस दौर की तहरीरी रिवायात से पता चलता है कि यजीद पर दीवानगी तारी हो गई थी और ऐसी ही दीवानगी उनके दस्ते पर तारी हो गई और इसके साथ ही रोमियों का कत्लेआम शुरू हो गया। यजीद बिन अबी सुफियान के लिए खालिद का आ जाना एक मौजज़ा था, लेकिन खालिद इतनी जल्दी कैसे आ गए? हम फिर गुज़िश्ता रात मरज जो रोम चले चलते हैं, जहाँ खालिद छुप छुप कर रोमियों के कैंप देख रहे थे। उन्होंने देखा कि रोमियों की फ़ौज का वो हिस्सा जो दिन के वक्त उनके सामने सफ आ रहा था वहाँ नहीं है। खालिद को यकीन हो गया कि यह हिस्सा कहीं चला गया है, तो उन्होंने सालार आला अबू उबैदा से बात की। खालिद दूर अंदेश थे, उन्हें शक हुआ कि रोमियों की फ़ौज का ये हिस्सा दमिश्क की जानिब गया है और रोमियों का मकसद सिर्फ ये हो सकता है कि दमिश्क पर कब्ज़ा कर लिया जाए। हरकुल मामूली दिमाग का आदमी नहीं, खालिद ने अबू उबैदा से कहा, उसे मालूम होगा कि दमिश्क में हमारी नफरी बहुत थोड़ी है। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं समझ सकता कि दमिश्क खतरे में है। अगर तू मुझे इजाज़त दे तो मैं दमिश्क पहुँच जाऊँ। तुझ पर अल्लाह की सलामती हो अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने कहा, मैं तुझे इजाज़त देता हूँ और तुझे अल्लाह के सपोर्ट करता हूँ। ये जो रोमी पीछे रह गए हैं उन्हें मैं संभाल लूँगा। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने एक भी लम्हा ज़ाया ना किया, अपने सवार दस्ते को तैयार करके दमिश्क को रवाना हो गए। रास्ते में कई निशानियाँ और कई आसार उन्हें यकीन दिलाते रहे कि इस रास्ते पर एक फ़ौज गुजरी है। थियोडोरस आधी रात से पहले मरज रोम से रवाना हो गया। खालिद रात के आखिरी पैर रवाना हुए और दमिश्क उस वक्त पहुँचे जब मुसलमान हारी हुई जंग लड़ रहे थे और उन्हें कुमक की ज़रा सी भी तवक्को नहीं थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों को वहाँ वही नज़र आया जो उन्होंने सोचा था। उन्होंने अकब से रोमियों पर हल्ला बोल दिया। खालिद को रोमियों का परचम नज़र आया तो अपने मुहाफिजों के साथ वहाँ जा पहुँचे। उन्हें थियोडोरस बोकलाहट के आलम में दिखाई दिया। उसे दमिश्क अपने कदमों में पड़ा नजर आ रहा था। वो उसके हाथ से निकल गया था और उसकी फ़ौज फतह के करीब पहुँच कर कटने लगी थी। मैं रोमियों का कातिल हूँ, खालिद ने थियोडोरस को ललकारा, मैं वहीं से आया हूँ जहाँ से रात को तू आया था। थियोडोरस ने तलवार निकाल ली। दोनों सालारों के मुहाफिज अलग हट गए। खालिद ने थियोडोरस के दो तीन वार बेकार कर दिए और इसके इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाते रहे। थियोडोरस को भरपूर वार करने के लिए मौजू पोजीशन नहीं मिल रही थी। वो खालिद के रहम करम पर था। वो माना हुआ जंगजू सलार था, लेकिन उसका मुकाबला ऐसे सलार के साथ आ पड़ा था जो हर लम्हा शिकार की तलाश में रहता था। आखिर उसने बड़े गुस्से में खालिद तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन खालिद ने एक पैंतरा बदल कर अपने आप को थियोडोरस की जद से दूर कर लिया और दूसरे पैंतरे में ऐसा वार किया कि थियोडोरस घोड़े पर ही दौड़ा हो गया। खालिद के दूसरे वार ने उसे ख़त्म कर दिया। अब रोमियों के करने का एक ही काम रह गया था कि भागें और अपनी जानें बचाएं। वो रोमी खुशकिस्मत थे जो ज़िंदा निकल गए। मालिक गनीमत में ज़ेरा, खुदें, हथियार और घोड़े ख़ास तौर पर काबिले ज़िक्र थे। उधर अबू उबैदा ने दूसरे रोमी सालार शिंस को ख़त्म कर दिया था। अबू उबैदा ने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों को इस हुक्म के साथ रवाना कर दिया कि वो हम्स पहुँच कर वहाँ का मुआसरा कर लें। अबू उबैदा खुद एक और अहम मुकाम बालबक की तरफ
रवाना हो गए। तवक्को ये थी कि उन दोनों जगहों का मुआसरा तूल पकड़ेगा और मुकाबला बड़ा सख्त होगा, लेकिन मौरखों के मुताबिक मुसलमानों की तलवार की दहशत वो काम नहीं कर सकती थी जो उनके हुस्न अखलाक ने किया। मुसलमान जिधर जाते थे वहाँ के लोगों में पहले ही मशहूर हो चुका था कि मुसलमान किसी पर कोई ज्यादती नहीं करते और वो उन्हीं शर्तों के पाबंद रहते हैं जो वो पेश करते हैं। उस दौर की फातह फौजें सबसे पहले मफतूह शहर की खूबसूरत औरतों पर हल्ला बोलती थीं, फिर लोगों के घर लूट लेती और घरों को आग लगा देती थीं। ये उस ज़माने का रिवाज था और इसे फातह फौजों का हक समझा जाता था, लेकिन मुसलमानों ने इस रिवाज को ना अपनाया बल्कि निहत्ते लोगों की इज़्ज़त व आबरू और जानोमाल की हिफाजत की। इसी का नतीजा था कि अबू उबैदा बाल बाग पहुँचे और शहर का मुआसरा किया तो वहाँ जो रोमी दस्ता था उसने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए। खालिद ने हम्स का मुआसरा किया तो रोमी सालार हरबेस बाहर आ गया और अमन के समझौते की पेशकश की। अबू उबैदा भी पहुँच चुके थे, उनके हुक्म से रोमी सालार से 10,000 दीनार और ज़रबफ्त की 100 कबाओं का मुतालबा किया गया जो रोमी सालार ने कबूल कर लिया। मुआहदा ये हुआ कि मुसलमान एक साल तक हम्स पर हमला नहीं करेंगे और अगर इस दौरान रोम की फ़ौज ने इस इलाके में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई मामूली सी भी जंगी कार्रवाई की तो मुसलमान सुलह के मुआहदे को मंसूख समझकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस मुआहदे पर दस्तखत होते ही शहर के दरवाजे खुल गए और मुसलमान फ़ौज दाखिल हुई। मौरख इब्ने असीर लिखता है कि हम्स के लोग ये देख कर हैरान होते थे कि मुसलमान दुकानों में जाते और जो चीज़ लेते उसकी कीमत अदा करते थे। बाद लोगों ने मुजाहिदीन को तोहफे पेश किए तो मुजाहिदीन ने उनकी कीमत अदा की। वो कहते थे कि मुसलमान तोहफे को माले गनीमत समझते हैं और कोई मुसलमान अपने तौर पर कोई माले गनीमत अपने पास नहीं रख सकता। इसके अलावा सुलह के मुआहदे के बाद इस्लाम माले गनीमत को जायज़ नहीं समझता। ऐसे मुकामात भी आए जहाँ के लोगों ने मुसलमान फौज का बाकायदा इस्तकबाल किया, मसलन नवंबर 635 ईस्वी रमज़ान 14 हिजरी मुसलमान फौज हम्स से हुमा गई तो शहरी बाहर आ गए और मुसलमानों की अतात कबूल कर ली। मारतुन नोमान के शहरियों ने मुसलमानों का इस्तकबाल इस तरह किया कि पहले साजिंदे साज बजाते और खुशी के गीत गाते बाहर आए, उनके पीछे मौजिज़ीन आए और जिजिया पेश करके शहर अबू उबैदा के हवाले कर दिया। इसके बाद उन कस्बों और शहरों के कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमान हमारे जाल में आ गए हैं, शहनशाह हरकुल अपने सालारों से कह रहा था। मैं सर्दियों के इंतज़ार में था, अरब के ये मुसलमान ऊँट का गोश्त खाते और ऊँटनी का ही दूध पीते हैं। रेगिस्तान के इन बाशिंदों ने कभी इतनी सर्दी नहीं देखी, ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मुल्क की सर्दी उनके जोश और जज्बे को मुंजमद कर देगी, फिर मौसम सरमा ख़त्म होने तक मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। हम उन्हें बड़ी आसानी से शिकस्त देंगे, उनके खेमे उन्हें सर्दी से नहीं बचा सकेंगे। हरकुल ने हुक्म दिया कि हम से मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाए। कुछ दिनों बाद अबू उबैदा को इत्तला मिली कि रोमियों की कुमक हम्स पहुंच गई है। रोमियों की इस कार्रवाई के बाद हम्स का मुआहदा टूट गया। अबू उबैदा और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो कहीं और थे। इत्तला मिलते ही वो अपने दस्तों को साथ लेकर हम्स जा पहुंचे। खालिद पहले पहुंचे थे, वो हम्स के करीब गए तो बाहर रोमी फ़ौज लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस फ़ौज पर हमला कर दिया। रोमी पीछे हटते गए और कल्ले में दाखिल होकर उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। इसके फ़ौरन बाद अबू उबैदा भी अपने दस्तों के साथ आन पहुँचे। अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने खालिद से कहा, ये मुआसरा तेरा है और तू इसका सालार है। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था जो अबू उबैदा ने खालिद को दिया। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहकाम के मुताबिक सालार आला अबू उबैदा ही थे। ये दिसंबर का महीना था, सर्दी का उरूज शुरू हो चुका था। मुसलमान इतनी ज़्यादा सर्दी के आदी नहीं थे, उन पर सर्दी बड़ा बुरा असर कर रही थी। ये सबसे बड़ी वजह थी कि मुआसरा तूल पकड़ता गया। इस दौरान खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म आ गया, इसके तहत कुछ दस्ते इराक़ को भेजने थे। ये दस्ते चले गए तो रोमी समझे कि मुसलमान मुआसरा उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ। रोमी यही तवक्को लिए कले में बैठे रहे कि मुसलमान मुआसरा उठा लेंगे। मार्च 636 ईस्वी का महीना आ गया, सर्दी की शिद्दत ख़त्म हो चुकी थी। रोमी सालार हरबेस रोम के शाही ख़ानदान का आदमी था, उसे किसी के हुक्म की ज़रूरत नहीं थी। उसने अपने नायब सालारों और कमांडरों से कहा कि सर्दी का मौसम गुजर गया है, बेशतर इसके कि मुसलमानों को कुमक मिल जाए और ये सर्दी से भी संभल जाएं, उन पर हमला कर दिया जाए। चुनाचे एक रोज़ शहर का एक दरवाज़ा खुला और 5,000 नफरी की रोमी फ़ौज ने बाहर आकर मुसलमानों के उस दस्ते पर हमला कर दिया जो उस दरवाज़े के सामने मौजूद था। हमला बड़ा तेज़ और शदीद था, मुसलमान इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। इसके अलावा उन पर सर्दी का भी असर था, इसलिए वो मुकाबले में जम ना सके। पीछे हटकर वो मुनाज़म हुए और आगे बढ़े, लेकिन रोमियों के दूसरे हमले ने उन्हें फिर बिखेर दिया। अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने खालिद से कहा, क्या तू देखता रहेगा कि रोमी फतह याब होकर वापस कले में चले जाएँ? खालिद तमाशा देखने वालों में से नहीं थे,
वो उस दरवाजे के सामने से हट नहीं सकते थे जिसके सामने वो मौजूद थे। फिर भी उन्होंने अपना सवार दस्ता साथ लिया और रोमियो पर हमला कर दिया। रोमियो ने जमकर मुकाबला किया और सूरज गुरूब हो गया। रोमी कले में चले गए, उनकी बहुत सी लाशें और शदीद जख्मी पीछे रह गए। दूसरे दिन अबू उबैदा ने सालारों को बुलाया, क्या तुमने खुद महसूस नहीं किया कि कल रोमियो ने बाहर आकर हमला किया तो हमारे आदमी बेदिली से लड़े? अबू उबैदा ने शिकायत के लहजे में कहा, क्या हम में ईमान की हरारत कम हो गई है? सर्दी से सिर्फ जिस्म ठंडे होते हैं। सालारे आला खालिद ने कहा, हमारे आदमी बेदिली से नहीं लड़े, दरअसल जिन रोमियो ने हमला किया था वो उन रोमियो से ज़्यादा जुरत और हिम्मत वाले थे जिनसे हम अब तक लड़ते रहे हैं। फिर तू ही बता अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने पूछा, हमें इतने लंबे मुहासरे में यहीं बैठे रहना चाहिए? नहीं अबू उबैदा, खालिद ने कहा, कल सुबह हम मुहासरा उठा लेंगे। दूसरे सालारों ने हैरत से खालिद की तरफ देखा। हाँ मेरे दोस्तों, खालिद ने कहा, कल हम यहाँ नहीं होंगे और मेरी तजवीज़ गौर से सुन लो। खालिद ने उन्हें मुआसरा उठाने के मुतालिक कुछ हिदायात दी। अगली सुबह शहर की दीवार के ऊपर से आवाज़ें आने लगीं, वो जा रहे हैं, मुआसरा उठ गया है, वो देखो मुसलमान जा रहे हैं। सालार हरबेस को इत्तला मिली तो वो दौड़ता हुआ दीवार पर आया, उसके साथ बड़ा पादरी था। सर्दी ने अपना काम कर दिया है, हरबेस ने कहा, उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं रही, मैं उन्हें ज़िंदा नहीं जाने दूँगा, उनके ताकुब में जाऊँगा, उन्हें ख़त्म करके आऊँगा। मोहतरम सालार, पादरी ने कहा, मुझे ये मुसलमानों की चाल लगती है, ये मुंह मोड़ने वाली कौम नहीं, वो देखो वो अपनी बीवियों और बच्चों को यहीं छोड़ गए हैं। मैं देख रहा हूँ, हरबेस ने कहा, अपनी बीवियों और बच्चों को वो हमारे लिए छोड़ गए हैं, उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने बहुत कम सिपाही पीछे छोड़े हैं, वो सामान बांध रहे हैं, लेकिन उन्हें हम जाने नहीं देंगे, मैं पहले उनके ताकुब में जाऊँगा जो हौसला हार कर चले गए हैं। हरबेस ने फौरन 5,000 सवार तैयार किए और अबू उबैदा और खालिद के दस्तों के ताकुब में रवाना हो गया। उन्होंने 2-2.5 मील फासला तय कर लिया था जब रोमी उन तक पहुंच गए। जो ही अरबेस अपने दस्ते के साथ मुसलमानों के करीब पहुंचा, मुसलमान अचानक 2 हिस्सों में बांट गए। खालिद ने गुज़िश्ता रोज़ सालारों को यही बताया था कि रोमी उनके ताकुब में ज़रूर आएंगे और उन्हें घेरे में लेकर ख़त्म करना है। इसके मुताबिक मुसलमान चलते चलते 2 हिस्सों में बांट गए, एक हिस्सा दाएँ को होकर पीछे को मुड़ा और दूसरा बाएँ तरफ होकर घूम गया। रोमी ऐसी सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे, वो बौखला गए, मुसलमानों ने उन्हें घेरे में ले लिया। अपने बीवी बच्चों और उनकी हिफाजत के लिए कुछ मुजाहिदीन को पीछे छोड़ आना भी इसी धोखे का एक हिस्सा था। रोमी पीछे को भागे तो यही मुजाहिदीन जो औरतों और बच्चों के साथ थे रोमियो पर टूट पड़े, फिर उन्होंने रोमियो की पसपाई का रास्ता रोक लिया। एक और सालार माज बिन जबल खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु की पहले से दी हुई हिदायत के मुताबिक 500 सवार साथ लेकर हम्स के रास्ते में आ गए ताकि कोई रोमी शहर की तरफ ना आ सके। रोमी इतनी जल्दी भागने वाले नहीं थे लेकिन वो मुजाहिदीन के फंदे में आ गए थे, वो ताज़ा दम थे, कुछ अपनी रिवायात के मुताबिक और कुछ अपनी जानें बचाने के लिए वो बेजिगरी से लड़ रहे थे। खालिद उनके सालार हरबेस को ढूंढ रहे थे, उनकी तलवार से खून टपक रहा था, उनके रास्ते में जो आता था कट जाता था, आखिर वो उन्हें नज़र आ गया। मैं हूँ इब्नुल वलीद, खालिद ने ललकार कर कहा, फारसियों का कातिल इब्नुल वलीद, रोमियों का कातिल इब्नुल वलीद। हरबेस नामी गिरामी जंगजू था, वो खालिद के मुकाबले के लिए बड़ा लेकिन घोड़े से उतर आया। खालिद भी घोड़े से उतर आए और उसकी तरफ बढ़े, लेकिन एक रोमी दोनों के दरमियान आ गया। 3-4 मौरखों ने यह वाकया बयान किया है लेकिन उस रोमी का नाम नहीं लिखा, इतना ही लिखा है कि उसका जिस्म पहलवानों जैसा था और वो शेर की तरह गरज कर लड़ा करता था। रोमी जुबान में वो शेर की माने धाड़ने वाला के नाम से मशहूर था। तारीखों में यह वाक़या इस तरह आया है कि रोमी अपने सालार हरबेस को पीछे हटाकर खालिद के मुकाबले में आया, 2-3 पैंतरे दोनों ने बदले और खालिद ने तलवार का वार किया। तलवार रोमी की आहनी खुद पर पड़ी, खुद इतनी मजबूत और वार इतना ज़ोरदार था कि खालिद की तलवार टूट गई और उनके हाथ में सिर्फ दस्ता रह गया। अब खालिद खाली हाथ थे और रोमी पहलवान के हाथ में तलवार थी। खालिद अपने मुआवजों की तरफ जाने की कोशिश करते कि उनसे तलवार ले लें, लेकिन रोमी दरिंदों की तरह घुराता धारता और खालिद के आगे हो जाता कि वो दूसरी तलवार ना ले सके। एक मुहाफ़िज़ ने खालिद की तरफ तलवार फेंकी लेकिन खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु से पहले रोमी तलवार तक पहुंच गया और तलवार परे फेंक दी। खालिद का बचना मुमकिन नज़र नहीं आता था, रोमी ने उन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। खालिद इधर उधर होकर वार बचाते रहे। रोमी ने एक वार दाएँ से बाएँ को किया जिसे खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन या उससे ज़रा नीचे पड़ना चाहिए था, लेकिन खालिद बड़ी फुर्ती से बैठ गए। रोमी का ये ज़ोरदार वार खाली गया तो वो अपने ही ज़ोर में घूम गया। खालिद उछल कर उस पर झपटे, रोमी पलक झपकते फिर घूम गया और खालिद के बाजुओं के शिकंजे में आ गया। अब सूरत यह थी कि दोनों के सीने मिले हुए थे और रोमी खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाजुओं में था। खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाजुओं को दबाना और शिकंजा सख्त करना शुरू कर दिया। रोमी खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु की गिरफ्त से निकलने के लिए ज़ोर लगा रहा था लेकिन खालिद की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी और वो इस कदर ज़्यादा ज़ोर लगा रहे थे
कि खून उनके चेहरे में आ गया और चेहरा गहरा लाल हो गया। रोमी पहलवान की आंखें बाहर को आने लगीं, उसकी सांसें रुकने लगीं और चेहरे पर तकलीफ का ऐसा तासुर था कि उसके दांत बजने लगे। मौरख बागदी ने लिखा है कि रोमी पहलवान की पसलियाँ टूटने लगीं, रोमी और ज़्यादा तड़पने लगा, खालिद और ज़्यादा ज़ोर से अपने बाजुओं के शिकंजे को तंग करते गए। रोमी की पसलियाँ टूटती गईं और उसका तड़पना ख़त्म हो गया, ताकि उसका जिस्म बेजान हो गया। खालिद ने उसे छोड़ा तो वो गिर पड़ा, वो मर चुका था। खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस रोमी की तलवार उठा ली और हरबेस को ललकारा, लेकिन हरबेस अपने पहलवान का अंजाम देख कर वहाँ से खिसक गया था। खालिद ने घोड़े पर सवार होकर रोमी पहलवान की तलवार बुलंद करके लहराई और नारा लगाया। इस मुकाबले के दौरान रोमियों का कत्लेआम जारी रहा। अबू उबैदा को पता चला कि खालिद ने रोमी पहलवान को किस तरह हलाक किया है, तो वो दौड़े आए। खुदा की कसम अबू सुलेमान, अबू उबैदा ने बड़े मसरूर लहजे में कहा, तूने जो कहा था कर दिखाया, तूने उनकी कमर तोड़ दी है। ये बात इस तरह हुई थी कि खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब गुज़िश्ता रोज़ मुआसरा उठाकर वापस जाने की तजवीज़ पेश की थी, तो अबू उबैदा और दूसरे सालारों ने इस तजवीज़ को पसंद नहीं किया था। खालिद ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या सोचा है, फिर भी अबू उबैदा मुआसरा उठाने के हक़ में नहीं थे। तब खालिद ने कहा था, मेरी तजवीज़ पर अमल करें, मैं उनकी हड्डियाँ तोड़ दूँगा, उनकी कमर तोड़ दूँगा। खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ एक पहलवान की नहीं बल्कि रोमी फ़ौज की हड्डियाँ तोड़ दी थी। मार्च 636 ईस्वी सफ़र 15 हिजरी मुसलमान फ़ातह की हैसियत से हम्स में दाखिल हुए। हम्स पर जो खौफ और इराज़ तारी था, वो उस वक्त भगदड़ और नफ्सा नफ्सी की सूरत इख्तियार कर गया जब मुसलमान हम्स में दाखिल हुए थे। उन्होंने सुना तो यही था कि मुसलमान शहरियों को परेशान नहीं करते, लेकिन जिस शहर की फ़ौज हथियार ना डाले और मुसलमान बज़ोरे शमशीर शहर को फतह करें, तो वो हर घर से मालो अम्वाल उठा लेते हैं और औरतों को लौनियाँ बना लेते हैं। मुसलमानों ने हम्स तो बड़ी ही मुश्किल से फतह किया था, रोमियों ने हथियार नहीं डाले थे, बल्कि मुसलमानों ने मुआसरा उठाया तो 5,000 रोमी सवार उनके ताकों में गए थे। ये अलग बात है कि मुआसरा उठाना मुसलमानों की चाल थी, लेकिन रोमियों ने उसे उनकी कमज़ोरी समझकर उन पर हमला किया था। इस मार्के में रोमियों के सिर्फ 100 सवार जिंदा बचे थे और मुसलमान जो शहीद हुए उनकी तादाद 235 थी। इतनी खूनरेज लड़ाई लड़कर मुसलमानों ने हम्स फतह किया था। हम्स वालों ने जब देखा था कि उनके जो 5,000 सवार मुसलमानों के ताकों में गए थे, उनमें से बहुत थोड़े भागते हुए आ रहे हैं, तो उन पर खौफ और इराज़ तारी हो गया था। और जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों का एक सवार दस्ता रोमियों और हम्स के दरवाज़े के दरमियान आ गया है और रोमी सवार न भाग सकते हैं न शहर में दाखिल हो सकते हैं, तो वो और ज़्यादा खौफजदा हो गए। शहर में इतनी फ़ौज नहीं रह गई थी जो उनकी मदद को पहुँचती। ये सवार मुसलमान सवारों की तलवारों और बर्चियों से कट गए। अबू उबैदा और खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हम्स में दाखिल हुए, तो चंद एक शहरी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। दोनों मुसलमान सालारों को देखकर वो सजदा में गिर पड़े। दोनों सालारों ने घोड़े रोक लिए। उठो, अबू उबैदा ने गरेदार आवाज़ में कहा, खड़े हो जाओ। वो सब सजदे से उठकर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर खौफ और हिरास और रहम तलबी का गहरा तासुर था। बोलो, अबू उबैदा ने पूछा, अगर तुम्हारी फ़ौज हमारे कहने पर पहले ही हथियार डाल देती तो तुम्हें हमारे आगे सजदे में गिरने की ज़रूरत ना पड़ती। हम रहम के तलबगार हैं, एक ने इल्तिजा की। वो रोमी फ़ौज थी जो आपसे लड़ी है। हम रोमी नहीं, हम आपका हर मुतालबा पूरा करेंगे। हम सिर्फ ये बताने आए हैं कि सजदा सिर्फ अल्लाह के आगे किया जाता है, अबू उबैदा ने कहा। हम किसी को अपना ग़ुलाम बनाने नहीं आए। अबू उबैदा के हुक्म से हम्स के लोगों से सिर्फ एक दिनार फीकस जजिया लिया गया और मुसलमानों की तरफ से ऐलान हुआ कि कोई शख्स शहर छोड़ कर ना जाए। शहर के लोगों के जानो माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत के ज़िम्मेदार मुसलमान होंगे। इस ऐलान ने लोगों को हैरत में डाल दिया। बाद इसे मुसलमानों की एक चाल समझे। वो रात भर इस खौफ से जागते रहे कि मुसलमान रात को उनके घरों पर टूट पड़ेंगे, लेकिन रात गुजर गई और कुछ भी ना हुआ। रोमी शहनशाह हरकुल हम्स से तकरीबन 80 मील दूर अंताकिया में था। उसे जब खबर मिली कि हम्स भी हाथ से निकल गया है, तो उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम आ गया, जैसे वो इसी खबर का मुंतजर था। उसके सालार, मुशीर और शाही ख़ानदान के अफराद जानते थे कि हरकुल का ये तबस्सुम मौत की मुस्कराहट है और इस तबस्सुम में कहर भरा हुआ है। क्या तुम बता सकते हो अरब के इन मुसलमानों ने हम्स किस तरह लिया है? हरकुल ने खबर लाने वाले से पूछा। तुम सालार तो नहीं, कमांडर हो, जंग को समझते हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं समझता हूँ कैसर रोम, खबर लाने वाले ने कहा। मेरा नाम साजीरस है, एक जैश का कमांडर हूँ। हम्स एक धोखे ने हमसे छीना है। हमारे सालारों को तवक्को थी कि मुसलमान इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और मुआसरा उठाकर चले जाएंगे। उन्होंने सर्दी की शिद्दत मुआसरे में गुजार दी और मुआसरा उस वक्त उठाकर चले गए जब सर्दी की शिद्दत गुजर गई थी और दरख्तों की कोंपलें फूटने लगी थी, और हमारे सालार उस वक्त कले में बैठे रहे जब दुश्मन बाहर सर्दी से
ठिठर रहा था। हरकुल ने कहा, हमारे सालार दुश्मन पर उस वक्त ना झपटे जब सर्दी ने उनकी रगों में खून मुंजमद कर दिया था। फिर क्या हुआ, कैसर रोम? साजीरस ने कहा, वो जब कूच कर गए तो सालार हरबेस ने 5,000 सवारों के एक दस्ते को हुक्म दिया कि मुसलमानों के ताकुब में जाओ और उनमें से कोई एक भी जिंदा ना रहे। हम उनके ताकुब में गए, जब उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने पलट कर हमें घेरे में ले लिया। साजीरस ने हरकुल को तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उन्हें किस तरह घेरे में लिया और उनके सवारों को तबाह व बर्बाद कर दिया। हमारा सालार हरबेस कहाँ है? हरकुल ने पूछा। क्या वो जिंदा हैं? साजीरस ने कहा, वो उस वक्त वहाँ से निकल गए थे जब मुसलमानों के सालार खालिद इब्न अल वलीद ने हमारे पहलवान को अपने बाजुओं में जकड़ लिया था और पहलवान की आंखें बाहर आ गई थीं। क्या हमारे पहलवान को खालिद इब्न अल वलीद ने मार डाला है? हरकुल ने पूछा। साजीरत कुछ देर हरकुल के मुंह की तरफ देखता रहा, फिर उसने दाएं बाएं आहिस्ता आहिस्ता सारे लाया। मुसलमान सालार ने हमारे पहलवान को बाजुओं में दबोच कर उसकी पसलियां तोड़ डाली थी, साजीरस ने कहा, और वो मर गया। आफरीन! हरकुल के होंठों से सरगोशी फिसल गई। ये ताकत जिस्म की नहीं, वो अचानक जैसे बेदार हो गया। उसने जानदार आवाज़ में कहा, मैं उन्हें कुचल दूंगा, उन्हें आगे आने दो। उसकी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद हो गई, उन्हें और आगे आने दो, और आगे जहाँ से वो भाग नहीं सकेंगे। सालार आला अबू उबैदा और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो और आगे चले गए थे। उन्होंने हम्स के इंतजाम के लिए कुछ नफरी वहाँ छोड़ दी थी। हम्स से वो अपने दस्तों के साथ हम्स से आगे हुमा, फिर उससे आगे शीर्स तक या शेरस तक जा पहुँचे थे। वहाँ से अंताकिया का फासला 35-40 मील के दरमियान था। अंताकिया अहम तरीन मुकाम था क्योंकि उसे हरकुल ने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था और वहीं रोमियों की फ़ौज का इज्तिमा और फ़ौज की तकसीम होती थी। मुसलमानों ने शीर्स से कूच किया, थोड़ी ही दूर गए होंगे कि रोमियों का एक काफला सा आता नज़र आया। उसकी हिफाजत के लिए रोमी फ़ौजियों का छोटा सा एक दस्ता था। इससे जाहिर होता था कि ऊँटों और गाड़ियों के इस काफले में फ़ौजी सामान जा रहा है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के इशारे पर मुजाहिदीन ने काफले को घेरे में ले लिया। रोमी फ़ौजियों ने मुकाबला करने की हिमाकत ना की। उन्होंने बताया कि ये फ़ौज के खाने पीने का सामान है, इसमें हथियार भी थे। उन सब को पकड़ लिया गया और उन्हें तासर ये दिया गया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। हमने आपका मुकाबला नहीं किया, उस रोमी फ़ौजी काफ़िले के कमांडर ने जान बख्शी की इल्तिजा करते हुए कहा। हम रोमी नहीं, हम तो उनकी रियाया हैं, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं। फिर दोस्ती का सबूत दो, उन्हें कहा गया, ये बता दो कि अंताकिया में क्या हो रहा है। आपकी तबाही का सामान तैयार हो रहा है, काफ़िले के कमांडर ने जवाब दिया। वहाँ बहुत बड़ी फ़ौज इकट्ठी की जा रही है, दूर दूर से ईसाई कबीले आपके खिलाफ लड़ने के लिए जमा हो रहे हैं और उन्हें मैदान जंग में लड़ने के ढंग सिखाए जा रहे हैं। आपने हमारी जानें हमें वापस कर दी हैं तो हम आपकी जानें बचाते हैं, काफ़िले के एक और आदमी ने कहा। आप आगे ना जाएं, आपकी नफरी बहुत थोड़ी है और अंताकिया में शहनशाह हरकुल जो फ़ौज इकट्ठी कर चुका है वो इतनी ज़्यादा है कि आपका एक भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा। क्या इतनी ज़्यादा शिकस्तों ने उसकी कमर अभी तोड़ी नहीं? मुसलमानों के एक सालार ने पूछा। हम इतने बड़े लोग नहीं कि शहनशाह तक रसाई हासिल कर सकें, रोमियो के कमांडर ने कहा। हम उसके साथ बात करने की जरूरत नहीं कर सकते, लेकिन अपने सालारों से जो पता चला है वो आपको बताते हैं। हरकुल की कमर इतनी कमज़ोर नहीं कि चांद एक शिकस्तों से टूट जाए। उसने अपना दिमाग अपने हाथ में रखा हुआ है, उसे फतह हासिल होती है तो वो अपने ऊपर इसका नशातारी नहीं किया करता और शिकस्त से वो मायूस नहीं हुआ करता। वो जो हसीन तरीन और नौजवान लड़कियों और शराब का रसिया है, अब शराब तो पीता होगा लेकिन अपनी पसंदीदा लड़कियों को भी अपने सामने नहीं आने देता। वो तो रातों को शायद सोता भी नहीं होगा, दूसरे ने कहा। उस पर एक जुनून सवार है, फ़ौज इकट्ठी करो। उसके आदमी बस्ती बस्ती जाकर लोगों से कह रहे हैं कि मुसलमान तूफ़ान की तरह आ रहे हैं और वो तुम्हारे मज़हब को और तुम्हारी औरतों को अपने साथ उड़ा ले जाएंगे। लोग कबीला दर कबीला मज़हब के नाम पर और अपनी औरतों को मुसलमानों से बचाने की खातिर अंताकिया में आ रहे हैं। आपने आगे जाना है तो ज़्यादा फ़ौज लेकर आएँ वरना रुक जाएँ। अब शहनशाह हरकुल ज़्यादा वक्त नई फ़ौज की तंजीम और तरबियत में गुजारता है और कहता है कि मुसलमानों को आगे आने दो, उन्हें और आगे आने दो। उसने ये भी कहा है, एक और बोला, अब अपनी फ़ौज की हर पसपाई मेरे दिल को मजबूत करती है, मेरी फ़ौज की हर पसपाई अरब के उन मुसलमानों को मेरे जाल में ला रही है। इस काफ़िले से जो सूरत हाल अबू उबैदा और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुई वो गलत नहीं थी। पहले जिक्र हो चुका है कि हरकुल रिवायती शहनशाह नहीं था, वो अपने वक्त का फ़न हरब व ज़रब का माहिर जंगजू था और वो मैदान जंग का शातिर जर्नैल था। अबू उबैदा और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को इन इत्तिलाआत ने जो उन्हें उस काफ़िले से मिली वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया।
खुदा की कसम अमीनुल उम्मत खालिद ने अबू उबैदा से कहा, हम यहाँ बैठे नहीं रहेंगे और हम हरकुल को इतनी मोहलत नहीं देंगे कि वो अपनी तैयारियाँ मुकम्मल कर ले। आज रात तक अपने किसी आदमी को आ जाना चाहिए। अबू उबैदा ने कहा, अबू सुलेमान, जब तक आगे की मुसद्दिका सूरत हाल मालूम नहीं हो जाती हम आगे नहीं जाएंगे। अपने किसी आदमी से मुराद वो जासूस थे जो अंताकिया तक पहुँचे हुए थे। खालिद ने अपनी सिपहसालारी के दौर में जासूसी के निज़ाम को बाकायदा और मुनज़्ज़म कर दिया था और जासूसों को दूर दूर तक फैला दिया था। मुसलमान जासूस जान की बाजी लगाकर बड़ी कीमती मालूमात ले आते थे। मौरखों के मुताबिक हरकुल ने अपनी फ़ौज की पै दर पै शिकस्तों की खबरें सुन सुनकर इस हकीकत को कबूल कर लिया था कि वो मुसलमानों को बिखरी हुई लड़ाइयों में शिकस्त नहीं दे सकता। एक शिकस्तें तो वो थीं जो रोमी फ़ौज को खालिद फिर अबू उबैदा ने दी थीं, दूसरी वो थीं जो दूसरे सालार शाम के दूसरे इलाकों में रोमियों को देते चले जा रहे थे। मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने का एक ही तरीका था कि उन्हें किसी एक मैदान में इकट्ठा होने पर मजबूर किया जाए और उनके खिलाफ उनसे कई गुना ज़्यादा फ़ौज मैदान में उतारी जाए। चुनाचे उसने नई और बहुत बड़ी फ़ौज तैयार करनी शुरू कर दी। मुसलमानों ने जब हम्स पर कब्ज़ा किया उस वक्त तक उसकी नई फ़ौज की तादाद 1.5 लाख हो चुकी थी। अंताकिया से 40 मील दूर अबू उबैदा और खालिद अपने दस्तों के साथ रुके हुए थे। उससे 2 रोज़ बाद जब उन्होंने रोमियों का काफिला पकड़ा था, मुसलमान मगरिब की नमाज की तैयारी कर रहे थे कि एक घुड़सवार पड़ाव की तरफ आता दिखाई दिया। इतनी दूर से पता नहीं चलता था कि वो रोमियों का कोई फ़ौजी सवार है या कोई मुसाफिर है। पड़ाव से कुछ दूर उसने घोड़ा मोड़ लिया और पड़ाव के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाने लगा जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसका लिबास मुसलमानों जैसा नहीं था। पकड़ लाओ उसे, किसी कमांडर ने अपने सवारों को हुक्म दिया। सवार अभी घोड़ों पर जीने डाल रहे थे कि उस अजनबी सवार ने घोड़ा पड़ाव की तरफ मोड़ दिया। अल्लाहु अकबर, उसने नारा लगाया और करीब आकर उसने बड़ी बुलंद आवाज़ में कहा, मैं अपने परचम को पहचानने की कोशिश कर रहा था। इब्ने आदी, किसी ने कहा, और चंद एक मुजाहिदीन उसकी तरफ दौड़ पड़े। एक ने कहा, खुदा की कसम हम अब भी तुझे रोमी फ़ौजी समझ रहे हैं, क्या ये लिबास उस रोमी का है जिसे तूने कत्ल किया होगा? एक ने पूछा। इब्ने आदी किसी को बता नहीं सकता था कि वो जासूस है और अंताकिया से आया है। वो अबू उबैदा के खेमे में चला गया। वो उन 3-4 जासूसों में से था जो 1.5-2 महीनों से अंताकिया गए हुए थे। तुझ पर अल्लाह की सलामती हो इब्ने आदी, अबू उबैदा ने उसे गले लगाकर कहा, हम अंताकिया की खबर के इंतज़ार में बैठे हैं। इब्ने आदी ने खालिद के साथ मुसाफा किया। खालिद ने भी उसे गले लगा लिया। क्या खबर लाए हो? खालिद ने पूछा। स्याह काली घटा है जो अंताकिया के उफक से उठ रही है, इब्ने आदी ने अरबों के मखसूस शायराना अंदाज में कहा। इस घटा से जो मीं बरसेगा वो ज़मीन पर सैलाब बनकर चट्टानों को भी बहा ले जाएगा। अमीनुल उम्मत और इब्नुल वलीद, अल्लाह ने तुम्हें इशारा दिया है कि आगे ना जाना। हमें यह इशारा दुश्मन के एक काफिले ने दिया है, अबू उबैदा ने कहा। यह रोमियों का फ़ौजी काफिला है जिसे हमने पकड़ लिया है। इसे अल्लाह का भेजा हुआ काफिला समझ, अमीनुल उम्मत इब्ने आदी ने कहा। अब पूरी बात मुझसे सुन। अंताकिया के अंदर और बाहर लश्कर के सिपाहियों और घोड़ों के सिवा कुछ और नज़र नहीं आता। अंताकिया के गिर्दो नवाह में दूर दूर तक खेमों का जंगल है जो बढ़ता ही जा रहा है। हरकुल ने जो मंसूबा बनाया है वो बहुत ख़तरनाक है। क्या तेरी खबर मुसद्दिका हो सकती है? खालिद ने पूछा। मैं हरकुल की फ़ौज के एक टोले का कमांडर हूँ, अबू सुलेमान, इब्ने आदी ने मुस्कुराते हुए कहा। रोमियों की इस वक्त ये हालत है कि जो कोई अंताकिया के दरवाज़े पर जाकर कहे कि फ़ौज में भर्ती होने आया हूँ तो उसके लिए शहर के सारे दरवाज़े खुल जाते हैं। इब्ने आदी जिस तरह अंताकिया की फ़ौज में शामिल हुआ था उसकी उसने तफसीलात सुनाई। वो अपने साथियों के साथ ईसाई अरब बनकर अंताकिया गया था। उन्हें उसी वक्त फ़ौज के हवाले कर दिया गया। उस रोज़ घुड़दौड़ के मैदान में शहसवारी, तेगजनी और दौड़ते घोड़े से तीर निशाने पर चलाने के मुकाबले हो रहे थे। उनमें हर कोई शामिल हो सकता था। इब्ने आदी अपनी फ़ौज का मशहूर सवार था और बड़ा ही खूबसूरत जवान था। वो मुकाबले में इस तरह शरीक हुआ कि मैदान में जाकर घोड़ा चक्कर में दौड़ाया और तलवार निकाल कर तेगजन सवारों को मुकाबले के लिए ललकारा। एक सवार उसके मुकाबले में उतरा, वो रोमी था। अगर तुझे अपने बाजुओं और अपने घोड़े पर भरोसा है तो मेरे मुकाबले में आ, ए अजनबी सवार, इब्ने आदी ने उसे कहा। मेरी तलवार तेरे खून की प्यासी तो नहीं, लेकिन इसके सामने तेरी तलवार आएगी तो तेरी तलवार के मुकाबले में मेरी बच ही आएगी, ए बदकिस्मत अजनबी, दूसरे सवार ने कहा। अगर तुझे ज़िंदगी अजीज़ नहीं तो आ जा। इब्ने आदी ने घोड़ा उसके इर्द गिर्द दौड़ाया और उसे ललकारा। रोमी सवार घोड़े को कुछ दूर ले गया और घोड़ा मोड़ कर एड़ लगाई। उसने बरछी नेजाबाजी के अंदाज से आगे कर ली। इब्ने आदी उसकी तरफ मुंह करके खड़ा रहा। रोमी की रफ्तार और तेज़ हो गई। जब उसकी बरछी की अन्नी इब्ने आदी के सीने से थोड़ी ही दूर रह गई तो वो इस कदर फुर्ती से घोड़े की दूसरी तरफ झुक गया जैसे वो घोड़े पर था ही नहीं। रोमी की बरछी हवा को काटती आगे निकल गई। इब्ने आदी घोड़े पर सीधा हुआ और अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया। उसका घोड़ा दौड़ा
और फौरन ही मुड़कर रोमी के पीछे चला गया। रोमी अपना घोड़ा मोड़ रहा था कि इब्ने आदी उस तक जा पहुंचा और तलवार से उसकी बर्छी तोड़ दी। रोमी ने घोड़ा मोड़कर तलवार निकाल ली, लेकिन वो इब्ने आदी पर सिर्फ एक वार कर सका, जो इब्ने आदी ने बचा लिया और फौरन ही उस मुसलमान शहसवार की तलवार रोमी सवार के पहलू में उतर गई। वो उस पहलू की तरफ लुढ़क गया। उसे गिरता देखकर एक रोमी सवार इब्ने आदी के मुकाबले में आया। वो आता नजर आया और तमाशाइयों ने उसे घोड़े से गिरते देखा। एक और सवार मैदान में आया। रुक जाओ, हरकुल की गरजदार आवाज़ सुनाई दी। इधर आ शह सवार। इब्ने आदी ने घोड़ा हरकुल के सामने जा रोका। हरकुल ऊंची जगह बैठा हुआ था। क्या तुझे बताया नहीं गया था कि ये मुकाबले हैं, लड़ाई नहीं? हरकुल ने कहा, तुम इन दोनों को ज़ख्मी कर सकते थे, जान से नहीं मारना था, फिर भी हम तुम्हारी कदर करते हैं। कहाँ से आया तू? मत पूछ शहनशाह कहाँ से आया हूँ, इब्ने आदी ने कहा। ये मेरे दुश्मन नहीं थे, लेकिन मेरे हाथ में जब तलवार होती है और जब कोई मुझे मुकाबले के लिए ललकारता है तो मुझे यकीन हो जाता है कि यह शख्स मुसलमान है। मैं जब उसे कत्ल कर चुकता हूँ तो मुझे ये देख कर बहुत अफसोस होता है कि ये मुसलमान नहीं था। मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रहता। मैं ईसाई अरब हूँ शहनशाह, बहुत दूर से आया हूँ। क्या तेरे दिल में मुसलमानों की इतनी दुश्मनी है कि तू अंधा हो जाता है? अरकुल ने पूछा। इससे भी ज़्यादा, जितनी शहनशाह समझे हैं, इब्ने आदी ने कहा। क्या शहनशाह मुझे आगे नहीं भेजेंगे? मैं मुसलमानों से लड़ने आया हूँ। हम तुझे आगे भेजेंगे, अरकुल ने कहा। तूने दो शेरों को मारा है और तू मामूली से ख़ानदान का फ़र्द नहीं लगता। अमीनुल उम्मत इब्ने आदी ने अबू उबैदा और खालिद से कहा, मेरा ख्याल था कि वो मुझे सिपाही की हैसियत में फ़ौज में रख लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे 100 सिपाहियों का कमांडर बना दिया। इस तरह मेरी रसाई सालारों तक हो गई। मेरे दूसरे साथी भी किसी न किसी ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ से उन्हें कीमती खबरें मिल सकती हैं। हम सब ईसाई अरब बने रहे और आपस में मिलते रहे। कुछ बातें मुझे उन्होंने बताई हैं, बाकी हालात मैंने खुद देखे हैं। हम्स पर अपने दस्तों के कब्ज़े की इत्तला अंताकिया पहुंची, तो मेरे साथ ही मुझे मिले। हमें मालूम था कि तुम हम्स में ज़्यादा दिन नहीं रुकोगे और अंताकिया की तरफ पेशकदमी करोगे। हम तुम्हें हम्स में ही रोकना चाहते थे। तुम्हें आगे ख़तरे से खबरदार करना ज़रूरी था। अंताकिया के इर्द गिर्द के इलाके में अपने लश्कर की तबाही के सिवा कुछ न था। इब्ने आदी ने आगे के जो हालात बताए वो इस तरह थे कि हरकुल ने बहुत बड़ी फ़ौज तैयार करने की मुहिम ऐसे तरीके से चलाई थी कि ईसाइयों के तमाम कबीले मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अपने घोड़ों, ऊँटों और हथियारों के साथ अंताकिया में जमा हो गए थे। मौरख लिखते हैं कि उन कबीलों के अलावा यूरोपी मुल्कों के लोग भी आ गए थे। रोम, यूनान और आर्मेनिया के रहने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में आए थे। उन सब को उस फ़ौज के साथ मिलाकर जो पहले मौजूद थी, हरकुल की फ़ौज की तादाद 1.5 लाख हो गई थी। इस इतने बड़े लश्कर को 30-30 हज़ार के 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। हर हिस्से का जो सालार मुकरर किया गया था वो तजर्बाकार और मुंतखब था। इन 5 सालारों में एक का नाम महान था, जो आर्मेनिया का बादशाह और अपने वक्तों का माना हुआ माहिर सिपा सालार था। दूसरा गसान का हुक्मरान जबला बिन अल अहम था, जो अपनी फ़ौज साथ लाया था और इसी का वो सालार था। तीसरा रूस का एक शहनशाह कनातीर था। चौथे का नाम ग्रेगरी और पांचवें का नाम वीरजान था। ये सब ईसाई थे और उन्होंने इसे सलीब और हिलाल की जंग बना दिया था। 1.5 लाख के इस लश्कर का सालार आला महान था। हरकुल ने इस लश्कर को अपने बेहतर हथियारों से मुसल्ला कर दिया और जब ये तैयार होकर 5 हिस्सों में तकसीम हो गया तो हरकुल ने इतने बड़े लश्कर को इकट्ठा किया। सलीब के पास बानों हरकुल ने बुलंद जगह खड़े होकर गला फाड़ फाड़ कर कहा, तुम जिस जंग के लिए इकट्ठे हुए हो ये किसी मुल्क को फतह करने के लिए नहीं लड़ी जाएगी। ये तुम्हारे मज़हब और तुम्हारी इज्जत की जंग है। एक नया मज़हब हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ उठा है। हमारा ये फ़र्ज है कि उस मज़हब को, जो दर असल कोई मज़हब नहीं, ख़त्म कर दे। मुसलमानों की फ़ौज 40 हज़ार से ज़्यादा नहीं, तुम उनकी हड्डियाँ भी पीस डालोगे। हमें बताया गया है कि हमारी फ़ौज में मुसलमानों की दहशत फैल गई है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मुसलमानों ने जहाँ भी हमारी फ़ौज पर हमला किया है चोरों की तरह किया है, और वहाँ हमारी नफरी थोड़ी थी, वो कोई जिन भूत नहीं, तुम्हारी तरह इंसान हैं। वो लुटेरे हैं जो तुम्हारे घरों में घुस आए हैं, लेकिन वो तुम्हारा सिर्फ मालो अम्वाल नहीं लूटते, वो तुम्हारा मज़हब और तुम्हारी इज़्ज़त लूटने आए हैं। मौरख वाकदी, ब्लाजरी और हैंनरी स्मिथ लिखते हैं कि हरकुल ने पहले ही उन लोगों को भड़का कर अपने लश्कर में जमा किया था, अब उन्हें और ज़्यादा भड़का दिया। इब्ने आदी ने अबू उबैदा और खालिद को बताया कि हरकुल ने दूसरा इत्तेमा सालारों, नायब सालारों और कमांडरों का किया। पहले उन्हें भी भड़काया, फिर उन्हें अहकाम दिए और हिदायात दी। उनके मुताबिक हर सालार की पेशकदमी और उसके हदफ का तयन किया गया था। ये एक दहशतनाक मंसूबा था जो इतने बड़े लश्कर से आसानी से कामयाब
हो सकता था। हदफ हम्स था और दूसरा दमिश्क। इसके साथ ही मुसलमानों की तमाम तर फौज को, जिसकी नफरी तकरीबन 40,000 थी, घेरे में लेकर ख़त्म करना था। अरकुल ने घेरा डालने का बड़ा अच्छा मंसूबा तैयार किया था। उसके सालार कनातीर को अपने 30,000 के लश्कर के साथ अंताकिया से समुंदर के साथ साथ बैरूत तक पहुँचना और वहाँ से दमिश्क की तरफ मुड़ जाना था। उसका काम यह था कि मुसलमान आगे से पसपा होकर दमिश्क की तरफ आए तो कनातीर का लश्कर उन पर हमला कर दे। जबला बिन अल अहम ने हम्स की तरफ जाकर मुसलमानों की पेशकदमी को रोकना और उन्हें ख़त्म करना था। मौरखों ने लिखा है कि हम्स पर हमला करने वाले लश्कर में सिर्फ अरब ईसाई थे, जिनकी तादाद 30,000 थी। हरकुल ने कहा था कि वो अरबों के ख़िलाफ़ अरबों को लड़ाना चाहता है, लोहे को लोहा ही काट सकता है। ये हरकुल के तारीखी अल्फाज हैं। हम्स के इलाके में हरकुल के एक और सालार वीरजान ने भी जाना था। उसने जबला से उल्टी सिमत से पेशकदमी करनी थी ताकि मुसलमान किसी तरफ से भी निकल ना सकें। सालार ग्रेगरी को एक और सिमत से हम्स के इलाके में पहुंचना और मुसलमानों पर हमला करना था। इस तरह हम्स और गिरदोनवा के इलाके में मुसलमानों पर हमला करने वाली रोमी फ़ौज की तादाद 90,000 थी। महान जो सालार आला था, उसे अपना 30,000 का लश्कर कहीं करीब रखना था ताकि जहाँ कहीं उसकी ज़रूरत पड़े वो पहुँचे। तुझ पर अल्लाह की सलामती हो इब्ने आदी, अबू बैदा ने हरकुल का तमाम तर मंसूबा सुनकर कहा, खुदा की कसम तूने अपना घर जन्नत में बना लिया है। अगर तू ये खबरें लेकर ना आता तो खुद सोच कि हमारा अंजाम क्या होता। अबू सुलेमान, अबू बैदा ने खालिद से कहा, क्या तूने महसूस नहीं किया कि हम इतने बड़े लश्कर का मुकाबला करने के काबिल नहीं। खालिद, जो मैदान जंग में दुश्मन के आसाब पर छा जाया करते थे, चुपचाप अबू बैदा को देख रहे थे। क्या हमें पीछे नहीं हट जाना चाहिए अबू सुलेमान, अबू बैदा ने पूछा। अमीनुल उम्मत, खालिद ने आह भरकर कहा, पीछे हटना एक ज़रूरत है, लेकिन पीछे हटना मेरी फितरत नहीं। खुदा की कसम अबू सुलेमान, जो तू सोच सकता है वो शायद मैं ना सोच सकूं, अबू उबैदा ने कहा। इस वक्त अपनी ज़ात को ना देख, अपने साथियों को और उनके अंजाम को देख और बता हम क्या करें। हाँ इब्ने अब्दुल्ला, खालिद ने अबू उबैदा को दूसरे नाम से पुकारते हुए कहा, मैं इस हकीकत को देख कर बात करूंगा जो हमारे सामने है, और ये तूफ़ान जो आ रहा है इसे रोकना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन हमें उस अल्लाह को भी मुँह दिखाना है जिसके नाम पर हम यहाँ तक अपना और अपने दुश्मन का खून बहाते आए हैं। हमारी जानें उसी की अमानत हैं। पहला काम ये कर के अपने तमाम सालारों को जहाँ जहाँ वो हैं दस्तों समेत एक जगह इकट्ठा कर ले। और उन जगहों का क्या बनेगा जो हमारे कब्ज़े में हैं, अबू बैदा ने पूछा। अमीनुल उम्मत, खालिद ने कहा, तू यकीनन दुश्मन के इरादे को समझता है। वो फैसला कौन जंग लड़ने आ रहा है और हर तरफ से आ रहा है, आगे से, पीछे से, दाएँ से और बाएँ से। और तू ने अपने आदि से सुन लिया है कि हरकुल ने हमारी पसपाई के रास्ते रोकने का भी इंतज़ाम कर दिया है। इब्ने अब्दुल्ला, कैसर रोम हमारे दस्तों को वहीं घेरे में ले लेना चाहता है जहाँ जहाँ वो हैं। ये तो अल्लाह का एहसान अजीम है कि हमें दुश्मन के मंसूबे का पहले ही इल्म हो गया है। क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी शिकस्त मंजूर नहीं, अबू उबैदा ने कहा। अल्लाह हमारे साथ है, अमीनुल उम्मत, खालिद ने कहा, लेकिन अल्लाह उनकी मदद नहीं किया करता जो अपने आप को दुश्मन और हालात के रहम व करम पर फेंक देते हैं। हरकुल हमें बिखरा हुआ रखना चाहता है। तमाम सालारों को वो तमाम जगहें छोड़नी पड़ेंगी जो हमारे कब्ज़े में हैं। अगर अल्लाह ने हमें फतह अता की तो ये सब जगहें हमारी होंगी। हमें कहाँ इकट्ठे होना चाहिए, अबू उबैदा ने पूछा। जहाँ सहरा हमारे अकब में हो, खालिद ने जवाब दिया। जितनी आसानी और तेज़ी से हम सहरा में हरकत कर सकते हैं, इतनी तेज़ी से उन इलाकों में नहीं कर सकते जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं। सहरा में हमारा दुश्मन नहीं लड़ सकता। हम सहरा को अपने करीब रखेंगे तो हमें पीछे हटने में सहूलत होगी, और जब दुश्मन हमारे पीछे आएगा तो वो अपने इलाके की सहूलतों से महरूम हो जाएगा। तेरे सामने ऐसी कौन सी जगह है। जाबिया, खालिद ने जवाब दिया। वहाँ से तीन रास्ते निकलते हैं और करीब से ही सहरा शुरू हो जाता है। दरियाए यरमूक भी बिल्कुल करीब है। मुसलमानों के बिखरे हुए दस्तों के सालार आला अबू उबैदा थे, लेकिन वो खालिद को अपनी नस्बत ज़्यादा काबिल, तजर्बाकार और जारे सालार समझते थे। इसलिए उन्होंने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना मुशीर ख़ास बल्कि दस्ते रास बनाकर साथ रखा हुआ था। अब हरकुल ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसमें उन्हें खालिद के मशवरों की शदीद ज़रूरत थी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल में नहीं घबराते थे। उन्होंने जो मशवरे दिए, अबू उबैदा ने उन पर फौरी तौर पर अमल किया। वहाँ ज़्यादा सोचने का वक्त था ही नहीं, एक एक लम्हा कीमती था। हरकुल का लश्कर अंताकिया से कूच कर चुका था। हम्स पर मुसलमानों के कब्ज़े का तीसरा महीना गुजर रहा था। नाज़रीन सामईन, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, साथ ही इसे शेयर कर दिया करें, और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।